ये जनता सहारनपुर के इमरान मसूद को जानती है, अखिलेश को नहीं जानती है। जी अखिलेश जी, उन्होंने अच्छा नहीं फैसला लिया, ये फैसला बड़ी दुख की घड़ी है। हम राजनीति में इस जिले के अंदर हेड मास्टर हैं इमरान मसूद। और सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने बीते दिनों इसी जगह पर अपने समर्थकों के साथ बातचीत कर उनकी सलाह मशवरा लेकर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी में शामिल हुए थे और 3 दिन से वो लखनऊ में थे, उनकी सहमति नहीं बन पाई, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। उनके समर्थक हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कर रहे हैं। फरहान भाई हमारे साथ हैं। फरहान भाई, लगातार आप इमरान मसूद जी के साथ थे, लखनऊ में आपकी बातचीत होती रही, क्या कुछ कारण रहा जो अखिलेश जी से बात नहीं बन पाई? देखिए अखिलेश यादव जी, ये चाहते हैं जो मुसलमान आवाज़ उठाने वाला हो, आरक्षण पर बात करने वाला हो, मुसलमानी की हिस्सेदारी पर बात करने वाला हो, उसे टिकट ना दिया जाए। जो भी आवाज़ उठाएगा मुसलमानों की, शिक्षिकता की हो या आरक्षण की बात हो, उसे आवाज़ को दबाने के लिए इमरान मसूद जैसे मुसलमानों के नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है। इमरान मसूद सेकुलर नेता है, सेकुलर नेता हिंदू मुसलमान हमारे बराबर में चौधरी साहब खड़े हैं और जाट समाज 10 तारीख को यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, इनके परिवार के लोग भी थे। 10 तारीख से पहले भी अखिलेश जी से कई बार बात हुई थी, 10 तारीख के बाद भी 3 दिन लखनऊ रहे, क्या कुछ कारण रहा, कुछ मुख्य कारण जो वहाँ पर बातचीत नहीं बन पाई, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वो भेंट से चाह रहे थे? देखिए इमरान मसूद साहब ने जब 2012 में अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की बात कही थी, इमरान भाई ने कहा अपने मैनिफेस्टो में ये लिखो आरक्षण कब देंगे, और दूसरा मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक कमेटी बनाई जाए जो आज मुसलमान दलितों से भी पिछड़े जीवन यापन कर रहे हैं, इसके मुद्दे पर इमरान मसूद जी ने आवाज़ उठाई। अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुसलमान दूंगा बहरा मुसलमान नेता है मेरे पास, बोलने वाला मुसलमान नेता ना है, जो मुसलमानों की आवाज़ उठाएगा उसे टिकट नहीं देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, इमरान मसूद सहारनपुर से है, शाहिद सिद्दीकी मीरपुर से मांग रहे थे, शाहिद सिद्दीकी मुसलमानों की फखर आवाज़ है, और कादिर राणा जी इससे है मुजफ्फरनगर से, और अमीर आलम साहब मुसलमानों की फखर आवाज़ है, उन्हें दबाने का काम किया, अजीम साहब है उन्हें दबा दिया, सलीम शेरवानी साहब को आवाज़ को दबाने तो का काम नहीं, किया। भेंट से टिकट ना मिलने से आप लोग नाराज़ हैं? नहीं, हम टिकट की नाराज़गी नहीं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हमारा 20% वोट है उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी दीजिए। जब सवा दो स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में एंट्री हुई, धर्म सिंह सैनी आए, तो क्या लगता है उनकी वजह से इमरान मसूद सपा में आगे नहीं बढ़ पाए? जी हम तो इमरान मसूद के साथ है यार, हम तो इन्हें पश्चिम का सबसे बड़ा नेता इमरान मसूद है, और सर ने हराया के भेजेंगे, जय इमरान ना लिया उसका अखिलेश ने हराया के भेजेंगे, यहाँ जाना तो अखिलेश ने क्या है, अखिलेश यहाँ तो इमरान मसूद है, हमारा तो अखिलेश इमरान मसूद नहीं बन पा रही है, टिकट कंफर्म नहीं हुई है, किस पार्टी में जा सकते हैं कुछ? हम नेताजी के फैसले पर सहमत रहे, ये जनता सहारनपुर की इमरान मसूद को जानती है, अखिलेश को नहीं जानती है। इमरान मसूद का सम्मान है तो जनता इमरान मसूद के नेतृत्व में अखिलेश के साथ है, अगर इमरान मसूद का सम्मान नहीं तो अखिलेश को कोई ना नहीं जानता, ना उसका कोई कैंडिडेट यहाँ निकल पाएगा, हम अपने दम पे फिर चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। आपको बता दें पिछले 2 दिनों से तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पर खबर चल रही है, यह तो समाजवादी पार्टी में किसी आगे के लिए ऊपर के लिए कुछ जगह बची है इमरान मसूद के लिए, या उन्हें बसपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तमाम तरह की खबरें यहाँ पर चल रही है। और भी लोग हमेशा इमरान मसूद जी के साथ रहते हैं, क्या कुछ लग रहा है, कौन सी पार्टी में जाएंगी, जिस तरह से समाजवादी से टिकट नहीं मिला, कंफर्म नहीं हुआ? काश्तकार आदमी है, खेती बाड़ी हमारे पर राजनीति भी और खाने का भोजन भी करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। हम राजनीति में इस जिले के अंदर हेड मास्टर हैं इमरान मसूद, और इमरान मसूद ने इन सबको पढ़ा रखा है जो हमारे आगे खड़े हैं। इमरान मसूद से जिला सहारनपुर है, राजनीति में जिला सहारनपुर किसी और के पीछे चलने वाला नहीं है, कोई अपने मुगाल से दूर कर लेंगे जो इमरान मसूद के सामने आना चाह रहे हैं। 2 दिन से तमाम तरह की खबरें चल रही है कि बसपा में जाएंगे, क्या खबरें चल रही है मैं नहीं जानता, ये पूरा देश जानता है कि इमरान मसूद एक वाहिद लीडर है इस जिले के अंदर, और वो बाखूबी जानता है कि इस जिले को कैसे चलाना है। आप बहुत क्लोज है, क्या कारण रहा कि सपा में आगे बढ़े? कारण हम कुछ नहीं जानते, हम खुद अपने आप का फैसला अपने आप करना जाने, हमारे को फैसला करना आता है। जी बड़े मियां हमारे साथ हैं, कैसे देखते हैं इमरान मसूद को, किस पार्टी में जाना चाहिए, सहारनपुर के लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? भाई सहारनपुर के लोगों के लिए तो ये कर सका ठीक है भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ कि नेताजी अखिलेश जी, उन्होंने अच्छा नहीं फैसला लिया, ये फैसला बड़ी दुख की घड़ी है। एक नेता इमरान मसूद पूरे पश्चिम में एक मान्य लीडर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो फैसला इमरान मसूद का होगा
वो आम पब्लिक का होगा। यहाँ इसमें हिंदू भी होगा और मुसलमान भी होगा, सब बराबर मानते हैं और सब लोग बराबर मानता है। उसके यहाँ बिरादरी की कोई विरोध भाव नहीं है। तो इमरान मसूद के साथ सब पब्लिक रहेगी, वो आजाद से लड़े या निर्दलीय लड़े या वो पार्टी से लड़े, सब लोग उसके साथ रहेंगे। दो दिन पहले जब कार्यकर्ताओं को पता लगा कि लखनऊ से इमरान मसूद लौट चुके हैं, तो रोजाना कल भी और आज भी भारी संख्या में समर्थक है जो उनकी कोठी पर पहुंच रहे हैं और सलाह मशवरा कर रहे हैं कि अब इमरान मसूद को क्या करना चाहिए, बल्कि नेताजी से अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। सभी कार्यकर्ता भारी बैठ कर विचार कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरफ रुख करना चाहिए इमरान मसूद को, क्योंकि सपा से तो फैसला होगा नेताजी का, फैसला सारी जनता वही है। और अखिलेश ने कह दो मुगालते मन रहे, यहाँ एक 20 सीट निकलवा के दिखा दो इमरान मसूद के लिए, रिजल्ट देख लियो आपके सामने, पहले भी देखा जो लोग रिपोर्ट यहाँ दे रहे हैं कि आपका खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, देख लियो सामने आजाद इमरान मसूद है। इमरान मसूद के बराबर कोई लीडर कोई नहीं है, यहाँ तो सिर्फ इमरान मसूद, यहाँ इमरान मसूद है, पश्चिम में इमरान मसूद है। तो तमाम समर्थक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी राय बताई कि जिस तरफ इमरान मसूद जाएंगे वो भी उन्हीं के साथ उसी तरफ रुख करेंगे।